जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th की, दोस्तों जो मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। मैथ के अध्ययन में दोस्तों आपको बता दे कि हम लोग चित्रा प्रकाशन की बुक से अध्ययन कर रहे हैं, यानी इसको हम लोग एक्टिव टीएम भी कह सकते हैं, या लेखक जो है अजय कुमार अग्रवाल जी है, इस बुक से अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग किसी भी बुक से अध्ययन कर रहे हो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग इस चैनल से आसानी से पढ़ सकते हो। दोस्तों आपको और एक महत्वपूर्ण बातें बता दे कि फर्स्ट ईयर की गणित फिजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप NDA, नेवी, SSR, MR किसी भी NVD एग्ज़ाम की, अगर डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो उसके लिए स्टेट लेवल नहीं, सेंट्रल लेवल की अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो उसके लिए फर्स्ट ईयर की मैथ फिजिक्स बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए इसका अध्ययन ज़रूर करें। तो भविष्य के लिए आपके पास अगर तैयारी नहीं करते हो सकता है आपका थोड़ा बहुत हानि हो, नुकसान हो, इसलिए फर्स्ट ईयर की बुक को अवश्य पढ़ें, चाहे फिजिक्स हो और चाहे मैथ हो। आपको बता दें कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने आज त्रिकोणमिति के 3.4 को पढ़ेंगे। तो 3.4 में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन ये है कि साइन 42 साइन 12 कॉस 42 कॉस 12, तो इसको हल कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें क्लू चाहिए, फैक्ट्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने फैक्ट्स भी तैयार करके रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। cos A - B, इसका फार्मूला होगा cos A cos B, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करोगे, प्लस साइन है साइन बी, फिर वही cos A + B, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस करोगे। cos में पहले cos होता है, बाद में साइन होता है, cos A cos B माइनस साइन है साइन बी, प्लस वाले भी sin A + B। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों आपको बता दे कि प्लस का प्लस ही होता है, माइनस का माइनस ही होता है। तो sin A + B का फार्मूला हो गया sin A cos B प्लस cos A sin B, और sin A - B का फार्मूला हो गया sin A cos B माइनस cos A sin B। tan A + B या माइनस बी, इसका फार्मूला क्या जानते हो, tan A tan B / 1 tan A tan B। लेकिन अगर प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस करोगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस करोगे आप लोग। cot A + B, इसका फार्मूला cot A cot B 1 cot B cot A, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस यहाँ पर, फिर से एक बार समझ लें, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। sin A + B और एक कोष्टक में sin A - B, ये तो वर्गांतर का फार्मूला है, इसका फार्मूला होगा sin² A - sin² B, या फिर cos² A - cos² B - cos² A। cos A + B और cos A - B का फार्मूला होगा cos² A - sin² B, या cos² B - sin² A। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन, आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है sin 42 sin 12 cos 42 cos 12 सब में अंश है, sin 42 sin 12 cos 42 cos 12। अब देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व करने आओगे तो थोड़ा बहुत आपको अपना माइंड भी लगाना है। अगर हम लोग इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, तो वो यहाँ पे 42 ए है तो 42 को ही ए लिखोगे, अगर 12 को बी लिखोगे तो इधर की 12 को भी बी लिखोगे। देखो फार्मूला प्लस में आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो फार्मूला किसका बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है, अगर इसको पहले लिखा जाए तो देखो cos A cos B यही प्लस में ही है, sin A sin B जो कि फार्मूला बन रहा है cos A - B का, क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस का सूत्र बनेगा, माइनस है तो प्लस का सूत्र बनाओगे आप लोग। तो यहाँ पर ए की जगह 42, बी की जगह 12, तो आप लोग क्या लिखोगे, लिखोगे cos 42 - 12। तो ये हो गया cos 42 से 12 घटाओगे तो बचेगा कितना, 30 cos 30, और cos 30 का मान जानते हो, cos 30 का मान √3/2, और यही दोस्तों आंसर, ये जो 3/2 है यही दोस्तों आपके पास आंसर। अब देखिए क्वेश्चन, ये तो था आपका पहले का ए पार्ट,
पहले का बी पार्ट देखिए, ये था पहले का ए पार्ट। पहले का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में है 10 27 10 63, 10 27 अंश 10 63 अंश 10 27 अंश 10 63 अंश। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे पहले आपको इसकी जो प्रीवियस वीडियो है 3.2 और 3.3 इसको आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमेशा हमने बताया था, देखो जरा इन दोनों को जोड़ो, 27 और 63 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना, इसको 90 से ही चेंज करोगे। देखोगे अगर दो ही मान दिए गए हैं, दो मान तो दोनों मान अगर ऐड हो गए, उसके दोनों पूर्णों को अगर जोड़कर अगर 90 आ रहा है तो उसको 90 से चेंज करोगे। देखो दोनों को जोड़ो, 90 आ रहा ना तो 90 से चेंज करेंगे हम लोग, और किसी एक को भी चेंज कर दो, चाहे आपका मन हो इसको चेंज कर दो, मन हो इसको चेंज कर दो। तो लिखोगे 10, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 27 और 10 63, 10 90 27 घटाओ, नहीं यहाँ पे 27 नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 63। यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसी को लिखोगे, अगर इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसी को लिखोगे अगर इसको चेंज करोगे। अब कैसे देख लो, 90 से 63 घटाओ, 27 तो बचेगा। अब यहाँ पर आप लोग फार्मूला जो यूज़ करोगे, इसमें जो भी फार्मूला यूज़ करोगे वो फार्मूला क्या है, 10 90 माइनस थीटा, जो कि फार्मूला है कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा फार्मूला क्या है, कॉट थीटा। इसी के नीचे हम लोग एक फार्मूला और लिखे यूज़ करेंगे हम लोग, 10 थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन 10 थीटा। यूज़ करेंगे हम लोग कौन सा, ये कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन 10 थीटा। देखिए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये होगा कॉट 63 और इंटू 10 63। कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है, तो 1/10 63। अब थीटा की जगह 63 है, इंटू 10 63। 10 63 से 63 कैंसिल, बचा कितना 1, यही आपके पास आंसर है। ये जो 1 है यही आपका आंसर है। अब देखिए इसका सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में है cos 2π/3 cos 2π/3 cos π/4 cos π/4 -sin 2π/3 sin π/4 -sin 2π/3 sin π/4। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो अगर इसको चार मान होने पर, यानी प्लस माइनस होने पर, हमेशा इसी में से सर्चिंग करोगे इसमें से कौन सी है, तो इसको अगर ए मान लिया जाए तो इसको बी मान लिया जाए, तो देखो 2π/3 ए है तो इधर के भी 2π/3 को ए ही मानोगे, इधर जो π/4 बी है तो इधर के π/4 को बी मानोगे। देखो फार्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये फार्मूला किसका है, फार्मूला माइनस है तो कॉस में प्लस का फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, ये फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कॉस ए, ए की जगह लिखोगे 2π/3 प्लस बी की जगह π/4, ए की जगह 2π/3 बी की जगह π/4। देखो दोनों का कॉस को तो कॉस लिखोगे, दोनों का एलसीएम ले लो या भिन्न कर लो, भिन्न करो, 4 2 8π, 3 1 3π, 4 3 12। अब देखो कॉस को कॉस लिखो, 8 3 11, तो 11π/12। यही दोस्तों आपके पास हो गया आंसर, यही दोस्तों जो है आपके पास आंसर, कॉस 11π/12। हालांकि आप लोग इसको आगे भी कर सकते हो, पाई का मान 180 रख के यही तरह रहने दीजिए। डी पार्ट देखिए, 1 का डी पार्ट, डी पार्ट में क्या है, √3 cosec 20 माइनस sec 20। अब देखिए
क्या है, रूट थ्री कॉसेक 20 माइनस सेक 20, इन दोनों को चेंज करिए। कैसे, देखिए हम जानते हैं कॉसेक थीटा ये फार्मूला है 1/sin थीटा और सेक थीटा ये फार्मूला है 1/cos थीटा। इस फार्मूले से इसको चेंज करिए। इस फार्मूले से चेंज करोगे, रूट थ्री केवल कॉसेक के साथ ही है, तो देखो रूट थ्री को रूट थ्री लिखो, इसको लिखोगे 1/sin 20 माइनस 1/cos 20। आप ध्यान देना दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो का गुणा में भाग करेंगे, दो का गुणा ये कर दिया, दो का गुणा और ये अंडर रूट तीन ये कर दिया भाग, ये 1/2 ये कर दिया भाग, इसके बटे में है साइन 20 और इसके बटे में है कॉस 20। अब ध्यान देना, दो को दो लिखेंगे, ये 3/2 ये कॉस 30 का मान है, कॉस 30 का मान लिखोगे कॉस 30/sin 20 माइनस ये साइन 30 का मान है, sin 30/cos 20। अब हम लोग भिन्न करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न भिन्न में इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा, तो दो इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो cos 30 cos 20, इसके साथ इसका माइनस का sin 30 sin 20 बटे sin 20 cos 20। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, हमने 3.2 में और 3 में दोनों बताया था, जब भी साइन साइन गुणा में हो तो भी दो का गुणा भाग करेंगे, कॉस कॉस गुणा में हो तो भी दो का गुणा भाग करेंगे, कॉस साइन गुणा में हो तो भी दो का गुणा भाग करेंगे, कॉस साइन साइन कॉस साइन साइन कॉस साइन, तीन दोनों आपस में किसी प्रकार से गुणा में हो दो का गुणा भाग करते ही है। देखो यहाँ पर साइन कॉस गुणा में है तो हम लोग दो का गुणा व भाग करेंगे, दो का गुणा व भाग करने पर, और यहाँ पर जो दो का गुणा भाग किया हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने सूत्र बनाने के लिए किया, ठीक। अब देखो यहाँ पर दो को दो लिखो, ये फार्मूला बना, कैसे फार्मूला बना, अगर इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो इधर भी देखो यही ए है और यही बी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का यानी ए प्लस बी का फार्मूला है, तो ये लिखोगे आप लोग कॉस 30 और 20 50 बटे, इसमें दो का गुणा भाग कर रहे हो, इसमें कर रहे हो क्योंकि ये दोनों गुणा में हैं, तो 2 sin 20 cos 20 / 2, ये दो ऊपर पहुंच जाता है, ठीक। अब देखो 2 × 4 = cos 50 / अब ये फार्मूला किसका है जानते हो, ये फार्मूला है sin 2a का, 2 sin a cos a, ये sin 2a का फार्मूला है, तो a भी अगर a है तो a भी a है, तो sin 20 cos 20 ये फार्मूला है sin 2a का, तो ये बन गया sin 40। और अगर ऊपर देखो 50 है नीचे 40 है, दोनों को जोड़ दो 90 है, इसका मतलब किसी एक को 90 से चेंज करो, किसी एक को 90 से चेंज करने पर हमने हर बार बताया था आपको कि पहली बात तो cos ये दोनों जोड़ो और उसका मान अगर 90 हो तो हमेशा एक के लिए मान होता है, ये तो हम लोगों ने 3.2 में हमने पढ़ के ही रखा है, मतलब समझिए, फिर भी दिखा देते हैं इसमें आप लोग अगर जो नए जुड़े हुए हमारे साथ, cos 50 को लिख सकते हैं 90 - 40, हालांकि इन दोनों की जगह हम लोग ऐसे कर देते हैं 4 × 1 = 4 आंसर हो गया, क्योंकि इनका मान एक होता ही है, फिर भी इसको सॉल्व करा दे रहे हम, और बटे sin 40 = ये हो जाएगा 4 cos 90 - θ sin θ, तो sin 40 और बटे sin 40, इससे ये कैंसिल, तो अर्थात 4 × 1 = 4, तो ये आपके पास आंसर। दोस्तों इसको जो cos 11π/12 है, इसको भी अगर आप लोग आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, पाई का मान क्या रखोगे 180, 12 से काटोगे उसको तो 12 से जब काटोगे तो क्या हो जाएगा, 12 15 में 180,
तो ये होगा 11 गुणा 15 हो जाएगा, तो 11 का गुणा 15 में नहीं करेंगे, 11 का गुणा 15 में नहीं करेंगे हम लोग। देखो अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में साइन 15 ज्ञात करेंगे, साइन 15 और कॉस 15 ज्ञात करेंगे, तो वही जो मान होगा इसी का मान होगा अंडर रूट 3 में, ठीक है। अगर आप लोग यहीं तक करना चाहते हो तो यहीं तक कर सकते हो, या ये किसका मान है, ये कॉस 15 का मान है, और कॉस 15 का मान रख देना वही आंसर। कॉस 15 का मान का नहीं निकालना आता है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग निकाल रहे हैं, तो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए पार्ट में साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए पार्ट, साइन 15 को लिखने का तरीका समझना। हमेशा किसी भी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, किसी कोण को लिखेंगे, तो 30 से चेंज करेंगे, 45 से चेंज करेंगे, 60 से चेंज करेंगे, 90 से चेंज करेंगे, 180 से चेंज करेंगे, 120 से चेंज करेंगे, 150 से चेंज करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेना, अगर किसी को कुछ बनाना है तो जो त्रिकोणमिति में कोण होते ही है उसी से ही बनाएंगे, मतलब 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 270, 360, इसी से ही हम लोग बनाएंगे। मतलब समझिए साइन 15 है, साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, साइन 45 से 30 घटाओ कितना बचेगा 15। यहाँ पर देखिए अगर इसको हम ए मान ले और इसको बी मान ले, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूले का रूप है ये, जो कि फार्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, क्योंकि साइन में चिन्ह वही है, कॉस ए साइन बी, साइन वाले में चिन्ह वही रहता है। देखो इस फार्मूले के अनुसार साइन को साइन लिखेंगे, ए की जगह 45 लिखेंगे, तो साइन 45 कॉस बी की जगह लिखेंगे कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2, माइनस साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान और साइन 30 का मान 1/2, इसके साथ इसका गुणा करेंगे √3 और 2, ये हो गया 2√2, माइनस इसके साथ इसका गुणा करेंगे 1, इसके साथ इसका गुणा करेंगे 2√2, दोनों का एलसीएम बराबर है, तो हम लिखेंगे √3 माइनस 1/2 √2। यही दोस्तों आपके पास दूसरे का ए पार्ट के लिए आंसर हो गया। दूसरे का बी पार्ट क्या है, साइन 105। दूसरे का बी पार्ट क्या है, साइन 105। इसको कैसे लिखोगे आप लोग, इसको लिखोगे साइन 105 को लिखोगे, अब 90+15 मत कर देना, 90+15 करोगे तो फिर मान 15 का कहां से लाओगे, और अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो आप लोग। यहां पर आप लोग चलो कर दो 90 कर दो प्लस 15 कर दो, 90 और 15 105, इसमें फार्मूला कौन सा लगाओगे, इसमें फार्मूला लगाओगे, अब ध्यान देना, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, और तो कोई मान आप लोग इसमें ज्ञात नहीं कर सकते हो, 75 और 30 भी कर सकते हो उसमें, 75 और 30, क्योंकि 75 और 30 भी कितना होता है 105, तो उसके लिए 75 का भी मान चाहिए। अब सुनना, यहाँ पर यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, साइन 90 कॉस 15 प्लस वाले प्लस कॉस 90 साइन 15। साइन 15 का मान हमें पता है, ये निकाल लिया, कॉस 15 का मान नहीं पता, जो कॉस 15 का मान है वही सवाल नंबर कौन सा था आपका, वन का सी का आंसर भी हो जाएगा, वन का सी का आंसर, एक आंसर हमने दे दिया था आपको, एक आंसर जो कॉस 15 का मान है वही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप लोग समझ लेना कॉस 15 को कैसे निकालेंगे, कॉस 15 को निकालने का तरीका आप लोग सीख चुके हो अभी साइन 15 के रूप में, इसको लिखेंगे कॉस 45 माइनस 30, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, फार्मूला लगाएंगे कॉस 45 कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए कॉस 30
प्लस साइन ए साइन 30, कॉस 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2, कॉस 30 का मान अंडर रूट 3 बटे 2, प्लस साइन 45 का मान 1 बटे 2, साइन 30 का मान 1 बटे 2, ये हो गया 1 बटे अंडर 2। इसके साथ इसका गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट 2, दोनों का एलसीएम बराबर है अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट 2। यही क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट का भी आंसर है, ठीक है आपके पास ध्यान रखना। अगर आप लोग 11 पाई बटे 12 नहीं रखोगे तो, अब देखो यहाँ पर आप लोग साइन 90 का मान जानते हो, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान 1 इंटू कॉस 15 का मान अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट 2, ये देखिए कॉस 15 प्लस कॉस 90 का मान जानते हो आप लोग, कॉस 90 का मान 0 इंटू साइन 15 का मान अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 2 अंडर रूट 2। तो जीरो के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही हो जाता है, एक के साथ गुणा करो तो संख्या वही रहती है, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट 2। इसी को दोस्तों आप लोग जो है ना आंसर कर लोगे, इसी को आंसर कर लोगे आप लोग, आप समझना। अब हम लोग करेंगे इसी का सी पार्ट, सी पार्ट कैसे करेंगे, दूसरे का सी पार्ट में है कॉस 75। इसको लिखने का तरीका क्या है, आप लोग लिखोगे कॉस 45 प्लस 30। अब 45 प्लस 30 को जब करोगे तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको ए मान लोगे और इसको बी मान लोगे, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगाओगे, देखो बस यहीं पर है, बस यहीं पर क्या है माइनस है, तो यहाँ क्या है आपके पास प्लस है, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है, तो बस यहाँ प्लस है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस है, तो इस यही सेम फार्मूला है, बस माइनस लगा दोगे, तो इसको सेम ऐसे ही ज्ञात करोगे, ज्ञात करने पर आपको क्या मिलेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 2 अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा कॉस 75 का अंश का मान, ये हो गया कॉस आंसर। दूसरे का डी आप लोगों के पास दिया गया कॉस 105, बहुत आसान तरीके से ज्ञात करोगे सेम टू सेम, आप लोग इसको कैसे करोगे, कॉस 90 प्लस 15 करोगे और कॉस 15 का मान आप लोग जानते ही हो, कॉस 15 का मान आपके पास ये है, और जब साइन 15 आएगा तो साइन 15 का मान आपके पास ये है, और फार्मूला इसमें कौन सा लगाओगे, फार्मूला इसमें आप लगाओगे कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और आसानी से इसको ज्ञात कर लोगे ना। अब देखिए तीसरे का ए पार्ट में है टैन 75। इसको कैसे लिखोगे आप लोग, इसको लिखोगे टैन 45 प्लस 30, 45 में 30 जोड़ दो 75, इसको क्या मानोगे आप लोग, इसको मानोगे ए, इसको मानोगे बी, तो ध्यान देना यहाँ पर फार्मूला आप लोग यूज़ करोगे टैन ए प्लस बी, जो कि फार्मूला है टैन ए प्लस टैन बी बटे 1 माइनस टैन ए टैन बी। दोस्तों आपको बता दें कि फर्स्ट ईयर की गणित बहुत जरूरी है इंटर लेवल के लिए फर्स्ट ईयर मैथ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा त्रिकोणमितीय आपको जो है ना ये फर्स्ट ईयर में इनवर्स के रूप में मिलेगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत कठिन लग सकता है अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो, अब पढ़ रहे हो तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर टेन ए, टेन के जगह टेन लिखोगे, ए की जगह आप लोग 45 रखोगे प्लस बी टेन बी, बी की जगह आप लोग 30 लिखोगे टेन 30 बटे 1 माइनस टेन 45 टेन 30। दोस्तों मान याद रखना बहुत जरूरी है, टेन ए का मान 1 प्लस टेन 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3, 1 माइनस टेन 45 का मान 1 इंटू 1 बटे अंडर रूट 3, इस फार्मूले को याद रख लेना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी हम लोग प्रूफ करेंगे ना तो उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑटोमेटिक, जब हम लोग इंटर की मैथ पढ़ेंगे तब, ठीक है, कभी कहीं कहीं यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 35 बनाने के लिए, इसके बटे 1 मान लो, इसके बटे 1 मान लो, इसके साथ इसका गुणा, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे इसके साथ इसका गुणा अंडर रूट 3, इसके साथ इसका गुणा तो अंडर रूट 3, इसके साथ इसका गुणा माइनस 1 बाई इसके साथ इसका गुणा अंडर रूट 3, इससे ये कैंसिल,
अंडर रूट थ्री प्लस वन बाई अंडर रूट थ्री माइनस वन। अब अंडर रूट की वैल्यू कोई भी नीचे अगर हो तो उसका संयुग्म गुणा करते हैं अंश व हर में, तो अंश व हर में हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो भी संख्या दी जाए उसके चिन्ह का उल्टा गुणा करते हैं, मतलब अंडर रूट तीन प्लस वन का ऊपर भी गुणा करेंगे, अंडर रूट तीन प्लस वन का नीचे भी गुणा करेंगे। ये तो ऊपर होल स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट तीन प्लस वन का होल स्क्वायर नीचे वर्गांतर हो गया, वर्गांतर के रूप में अंडर रूट तीन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन प्लस टू ए बी, तो दो अंडर रूट तीन बटे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो तीन माइनस एक इन दो, अब इससे कैंसिल तीन और एक के बजाय चार, तो चार प्लस दो अंडर रूट तीन बटे दो, तीन से घटा दो, इसमें देखो दो कॉमन है तो बचा क्या दो प्लस अंडर रूट तीन बटे दो, दो से दो कैंसिल, तो ये बचा आपके पास दो प्लस अंडर रूट तीन। और यही दोस्तों जो है आपके पास टेन पचहत्तर का मान है, और टेन पंद्रह का मान भी यही है, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा दोगे माइनस, तो ये मान हो जाएगा टेन पंद्रह। अब देखो टेन एक सौ पाँच बी पार्ट, बी पार्ट में थ्री का बी पार्ट है, थ्री का तो बी पार्ट है, थ्री का बी पार्ट टेन एक सौ पाँच, टेन एक सौ पाँच, इसको आप लोग कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे टेन पचहत्तर प्लस तीस, पचहत्तर में तीस जोड़ दो एक सौ पाँच। अब इसको अगर ए मान ले और इसको अगर बी मान ले तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। अब समझना, टेन को टेन लिखेंगे, ए की जगह पचहत्तर लिखेंगे और प्लस बी की जगह तीस लिखेंगे बटे वन माइनस, ए की जगह पचहत्तर लिखेंगे बी की जगह तीस लिखेंगे हम लोग। टेन पचहत्तर का मान क्या है, टेन पचहत्तर का मान दो प्लस अंडर रूट तीन है, दो प्लस अंडर रूट तीन है, टेन पचहत्तर का मान अभी हम लोग निकाला ना हम लोगों ने, और प्लस टेन तीस एक बटे अंडर रूट तीन बटे वन माइनस ए दो प्लस अंडर रूट तीन और एक बटे अंडर रूट तीन, इसके बटे एक मान लो, इन दोनों के बटे एक मान लो। अब इसका करो भिन्न, जब भिन्न करेंगे इसके साथ इसका, इसका दोनों का गुणा होगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दो अंडर रूट तीन प्लस अंडर रूट तीन, और अंडर रूट तीन में गुणा करेंगे तो पूरा तीन प्लस इसके साथ इसका गुणा करेंगे एक बटे इसके साथ इसका करेंगे तो अंडर रूट तीन बटे इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट तीन माइनस, माइनस होने पर कोष्टक वाले चिन्ह को बदल देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस दो माइनस अंडर रूट तीन, क्योंकि एक के साथ गुणा करने पर संख्या वही रहती है, तो ये अंडर रूट तीन से अंडर रूट तीन जो है कैंसिल। यहाँ क्या बचा, थोड़ा सा लाइनिंग ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पर दो अंडर रूट तीन को वैसे लिखो, तीन और एक चार बटे अंडर रूट, अब ध्यान देना यहां पर ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, तो माइनस क्या बचा दो, माइनस का क्या बचा दो ही बचा, इसमें देखो दो कॉमन है, जब दो कॉमन लेंगे तो बचा क्या अंडर रूट तीन प्लस दो, दो कॉमन लिया बटे दो, दो से दो कैंसिल, इस माइनस का ऊपर कर लो तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट तीन प्लस दो। और यही दोस्तों जो है आपके पास आंसर हो गया। अब काम कीजिए, इसका इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे चौथा, चौथे का ए पार्ट में कॉट पंद्रह और कॉट पचहत्तर दोनों का मान, एक का मान ज्ञात कर लीजिए दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा आपका। तो देखिए चौथे का ए पार्ट, चौथे का ए पार्ट कॉट पंद्रह, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, जो कॉट पंद्रह है, कॉट पंद्रह को आप लोग लिख सकते हो कि कॉट पैंतालीस माइनस तीस, पैंतालीस से तीस घटा दो पंद्रह, फार्मूला आप लोग क्या लगाओगे, इसको अगर ए मान लोगे इसको बी मान लोगे तो कॉट ए माइनस बी का फार्मूला लगाओगे, कॉट ए कॉट बी, यहां पर आप माइनस लगाओगे एंड प्लस लगाओगे और यहां लिखोगे कॉट बी माइनस कॉट ए, इस फार्मूले का आप लोग प्रयोग करोगे। ठीक, अब इस फार्मूले के प्रयोग के अनुसार कॉट ए की जगह लिखोगे कॉट ए, ए की जगह
45 कॉट बी, बी की जगह 30 माइनस प्लस 1 कॉट बी, कॉट बी की जगह कॉट 45 और माइनस कॉट 30। कॉट 45 का मान 1, कॉट 30 का मान अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे, कॉट 45 का मान 1, कॉट 30 का मान अंडर रूट 3। तो इसको आप लिखोगे अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 1 माइनस रूट 3, यानी इसको भी आप लोग अगर नीचे कोई भी अंडर रूट का अगर मान हो तो उसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ऊपर भी अंडर रूट यानी 1 प्लस अंडर रूट 3 का गुणा करोगे, नीचे भी 1 प्लस अंडर रूट 3 का गुणा करोगे, तो वो ऊपर होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का वर्ग एक प्लस टू ए बी, तो दो अंडर रूट तीन बटे नीचे वर्ग अंतर, तो एक का वर्ग एक माइनस अंडर रूट तीन का वर्ग, वर्ग से रूट कैंसिल, ये बचा तीन और ये एक चार, तो चार प्लस दो अंडर रूट तीन बटे एक और तीन घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस दो, इसमें दो कॉमन ले लो, जब दो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा दो प्लस अंडर रूट तीन बटे माइनस दो, दो से दो कैंसिल, माइनस का दो प्लस अंडर रूट तीन, यही आंसर। अब जब आप लोग 75 को ज्ञात करना तो यहाँ पर प्लस कर देना और प्लस वालों से ज्ञात कर लेना हम लोग, ठीक है, जो 15 अंश का है वही 75 अंश का है ज्ञात कर लो आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि साइन ए बराबर 3 बटे 5, कॉस बी बराबर 9 बटे 41, साइन ए बराबर 3 बटे 5, कॉस बी बराबर 9 बटे 41, जहां 0 इज लेस देन ए, जहां 0 इज लेस देन ए इज लेस देन पाई बाई 2, जो कोण ए है ये 0 से अधिक होना चाहिए लेकिन 90 से कम होना चाहिए, कोण ए का मान, ठीक है, और इसके बाद एवं कोण यानी 0 बी, 0 इज लेस देन बी इज लेस देन पाई बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 2, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जहां बी जो है बी भी है 90 से कम है और 0 से अधिक है। नंबर एक हमें प्रूफ करनी है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, अब देखो साइन ए प्लस बी जब ज्ञात करेंगे इसमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फार्मूले के अनुसार यहां पर साइन ए, साइन ए की जगह 3 बटे यानी साइन ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3 बटे 5, कॉस बी, कॉस बी की जगह 9 बटे 41 प्लस कॉस ए, कॉस ए का मान नहीं है हमारे पास, साइन बी, साइन बी का भी मान नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय तो जानते ही है ना। देखो साइन ए बराबर हमारे पास क्या है, साइन ए बराबर 3 बटे 5, तो साइन थीटा वाला फार्मूला का लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 3, कर्ण है 5, तो निश्चित है पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे तो ये 4 ही आएगा, क्योंकि 3 4 5 का एक क्रम है, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे या तो 3 होगा या तो यहाँ पे 4 होगा, या तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 होगा, ये क्रम ही है इनका, तो इससे कॉस ए निकाल लो, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 4 बटे 5, अब कॉस बी से साइन बी निकालो, कॉस बी बराबर 9 बटे 41, तो आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा वाला फार्मूला है आधार बटे कर्ण, पाइथागोरस पर मानो आधार 9 है कर्ण 41 है, ये ज्ञात करोगे, तो 41 का वर्ग बराबर 9 का वर्ग प्लस यल लंब का वर्ग, 41 का वर्ग होता है 1681, 9 का वर्ग है 81, इसको इधर भेज दो माइनस का, बराबर यल स्क्वायर, ये बचा 1600 बराबर यल स्क्वायर, अर्थात यल बराबर आप लोग कहोगे ये किसका वर्ग है 40 का वर्ग है 40, तो ये 40, आपको चाहिए क्या साइन बी चाहिए, तो साइन बी लंब बटे कर्ण मतलब 40 बटे 41, अब आसानी से ज्ञात कर लो आप लोग। यहाँ पर कॉस ए का मान है 4 बटे 5 इंटू साइन बी 40 बटे 41, दोनों का एलसीएम बराबर है, तो एलसीएम एक ही बार लिखेंगे हम लोग, 5 एकम 5, 5 को 20, 9 3 27 प्लस 4 चौको 16 160, जब जोड़ोगे तो ये 7
87 बटे 205 और इसी को दोस्तों जो है आप लोग कर लो आंसर। अब देखिए पांचवें का ये तो था ए पार्ट, अब बी पार्ट में साइन ए माइनस बी है, बी पार्ट में क्या है, ये तो है ए पार्ट, इसको ए पार्ट कर लो, बी पार्ट में साइन ए माइनस बी है, बस यही आप लोग ज्ञात करोगे, बस यहाँ पर आप लोग क्या करोगे माइनस करोगे, मतलब 27 माइनस 160 बटे 205 करोगे, बाद बाकी तो वही लग रही है, जब घटाओगे यहाँ से एक लोग 10, 10 से बचा 3, यहाँ बचा 5, 5 से बचा 3, पर 133 बटे 205, तो ये हो जाएगा आपके पास बी पार्ट के लिए आंसर, बी पार्ट के लिए आंसर। सी पार्ट में क्या है, कॉस ए प्लस बी, सी पार्ट में है कॉस ए प्लस बी, तो ये फार्मूला क्या है, फार्मूला है कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस साइन ए साइन बी। देखिए कॉस ए, कॉस ए का मान हमारे पास क्या है, कॉस ए का मान हमारे पास है 4/5, कॉस बी, कॉस बी का मान क्या है 9/41, माइनस साइन ए, साइन ए का मान 3/5, साइन बी, साइन बी का मान 40/41, दोनों का एलसीएम बराबर है 205, गुणा कर लो 9 × 4 = 36, माइनस 4 × 3 = 12 = 120, जब घटा दोगे आप लोग तो कितना बचेगा, यहाँ 10 से बचा 4, यहाँ पर 1, यहाँ से 11, 11 से बचा 8, 84/205, तो माइनस 84/205 ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। अगर आप लोगों को बाई चांस अगर फ्रेम में नहीं भी आ रहा तो भी आप समझ लेना कि कॉस ए का मान रख लिया, कॉस बी का मान रख लिया, साइन ए का मान रख लिया, साइन बी का मान रख लिया, और 36 माइनस 120/205 घटाएंगे तो माइनस 84/205, ठीक है। अब देखिए सी पार्ट के बाद, इसी का सी के बाद डी पार्ट, डी पार्ट में क्या है ए माइनस बी, तो जैसे प्लस वाला किया वैसे आप लोग माइनस वाला कर लोगे, तो यहाँ प्लस कर देना, यहाँ प्लस कर देना, जोड़ देना 36 और ये हो जाएगा 20, 156/205 आंसर आ जाएगा 156/205। और टेन ए माइनस बी पूछा गया है आपके पास, टेन ए माइनस बी, अब टेन ए माइनस बी कैसे करते हो डी पार्ट, टेन ए माइनस बी, टेन ए बड़ा फार्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए, तो इसी प्रकार साइन ए माइनस बी बटे फार्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का आंसर हमारे पास क्या आया था, साइन ए माइनस बी का आंसर है हमारे पास है माइनस 133/205 बटे कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का मान हमारे पास कितना आया था, हम लोगों ने ज्ञात तो किया था 156/205, तो 156/205, जब इसको हम लोग 133 को 133 ही लिखेंगे बटे 205, लेकिन इसको उल्टा कर देते हैं 205/156, 205 कैंसिल, माइनस 133/156, ये हो गया हमारे पास किसके लिए आंसर, डी पार्ट के लिए आंसर, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 आसान तरीके समझते रहिए केवल, क्वेश्चन नंबर 6 में कॉट ए बराबर 1/2 और सेक बी बराबर -5/3, 6 नंबर कॉट ए बराबर 1/2 सेक बी, सेक बी बराबर हमारे पास क्या है, सेक बी बराबर -5/3, -5/3, तो जहाँ पाई इज लेस देन ए इज लेस देन 3π/2 एवं जो मान दिया गया है π/2 एंगल बी एंगल पाई है, तो टेन ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरे पार्ट में वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें ए प्लस बी स्थित है, तो चतुर्थांश तो हम लोगों ने 3.2, 3.3 दोनों में पढ़ के रखा, हम लोगों ने चतुर्थांश प्लस प्लस हो तो प्रथम चतुर्थांश, प्लस माइनस हो ये तो हम चतुर्थांश हम लोगों ने इससे पहले पढ़ ही रहा, तो चतुर्थांश तो हम लोग कर ही लोगे। टेन हम लोगों के पास क्या पूछा गया, टेन हम लोगों से पूछा गया टेन ए प्लस बी, सबसे पहले देखो टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, यहाँ पर नहीं है, देखो
टेन ए प्लस बी का फार्मूला है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, यानी टेन ए और टेन बी का मान चाहिए। तो टेन ए का मान ध्यान देना, कॉट ए का उल्टा होता है टेन ए, तो टेन कॉट ए बराबर एक बटे दो है, तो टेन ए बराबर दो बटे एक अर्थात दो। सेक बी से आप लोग क्या निकाल लोगे, सेक बी से टेन बी निकालोगे, सेक बी बराबर आपके पास क्या है पाँच बटे माइनस पाँच बटे तीन। अब लाल बटे कक्का तो आप लोगों को याद ही होगा, हाई स्कूल में पढ़ाई होगा आप लोगों ने, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का का फार्मूला क्या है, लाल बटे कक्का, इसी से फार्मूला बनाया करो। ये साइन, ये कॉस और ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। अब ध्यान देना, कॉसेक थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, कॉसेक कॉसेक सेक कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार, तो ये कर्ण है और ये आधार है। तो इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो आप लोग, पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण, कर्ण है पाँच माइनस का आधार क्या है तीन, तो सिंपल है कि ये निकलेगा चार, पाँच तीन तो फिर ये चार। तो इससे आप लोग क्या निकाल लोगे, टेन बी निकाल लोगे, तो टेन बी बराबर क्या निकलेगा आपके पास, टेन बी टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार चार बटे तीन। ये हम लोगों ने टेन बी का मान ज्ञात कर लिया। एक और ध्यान रखना, सेक बी माइनस में है इसलिए माइनस में रखोगे। अब यहाँ पर टेन ए के जगह क्या मान रखोगे, टेन ए की जगह हम लोगों ने दो प्राप्त किया है तो दो, और प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पर टेन बी की जगह माइनस चार बटे तीन, तो माइनस चार बटे तीन बटे ये हो गया वन माइनस, ये हो जाएगा टेन ए इसकी जगह दो इंटू माइनस चार बटे तीन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो तीन दूनी छः, छः से चार घटाओगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो दो बटे तीन और बटे ये हो गया तीन एकम तीन प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, चार दूनी आठ बटे तीन, तीन से तीन कैंसिल, तो बचा क्या दो बटे ग्यारह, ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, अब दोस्तों इसी का बी पार्ट, वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें ए प्लस बी स्थित है। तो ए प्लस बी स्थित है, तो ए प्लस बी जो है वो किस में स्थित है, दो बटे ग्यारह, ये प्लस में स्थित है कि माइनस में स्थित है, तो आप लोग देख पा रहे हो प्लस में स्थित है, तो आप लोग कहोगे प्रथम चतुर्थांश, अगर प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश। हालांकि इसमें जो मान दिया गया है ना, देखो ए का मान जो है पाई से, आपके बुक में देखिएगा, बुक में देखिएगा, पाई जो है पाई इज लेस देन ए इज लेस देन थ्री पाई बाई टू, ए का मान जो है वो पाई से अधिक होना चाहिए और थ्री पाई बाई टू से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी प्लस है, बी के जो बी मान दिया पाई बाई टू एंगल बी एंगल पाई, ये भी प्लस में है। यानी प्लस प्लस होने पर प्रथम चतुर्थांश होता है, ए प्लस बी जो है वो प्लस, यानी प्लस में स्थित है, इसलिए प्लस में ही तो आंसर है, तो हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सात, साइन ए बराबर एक बटे दो, कॉस बी बराबर बारह बटे तेरह, बारह बटे तेरह, तो टेन ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम सात नंबर इसी की तरह लगाओगे, छः नंबर की तरह। साइन ए से आप लोग टेन ए का मान निकाल लेना, इसके बाद कॉस बी से टेन बी का मान निकाल लेना, और टेन ए माइनस बी का फार्मूला लगा देना और यही मान रख देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना। आठवां नंबर जो है, आठवां नंबर देखिए, उससे पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आठवें का ए पार्ट, टेन ए का मान दिया गया, टेन बी का मान दिया गया है हमारे पास, टेन ए माइनस बी हमसे पूछ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है आप लोग जानते हो कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ए के जगह आप लोग मान क्या रखोगे, अंडर रूट तीन बटे चार माइनस अंडर रूट तीन रखोगे, माइनस अंडर रूट तीन बटे चार प्लस अंडर रूट तीन रखोगे बटे वन प्लस अंडर रूट तीन बटे चार प्लस अंडर रूट, रुक जाइए यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस चार माइनस अंडर रूट तीन इंटू अंडर रूट तीन बटे चार प्लस अंडर रूट तीन। बस हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस ए बी का मान रख दिया है। इसमें तो अंडर रूट तीन हो गया कॉमन, अंडर रूट तीन जब कॉमन लेंगे इसमें बचेगा एक बटे चार माइनस अंडर रूट तीन माइनस एक बटे चार प्लस अंडर रूट तीन बटे इस वन प्लस, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो तीन बटे, देखो ये वर्गांतर फार्मूला हो जाएगा, तो चार का स्क्वायर माइनस अंडर रूट तीन का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, अंडर रूट तीन को अंडर रूट तीन लिखो,
इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 4 प्लस अंडर रूट 3 माइनस, इसके साथ इसका गुणा करेंगे माइनस होने पर चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस 4 प्लस अंडर रूट 3 बटे, देखो ये इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो वर्गांतर बनेगा, 4 का वर्ग और अंडर रूट 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, अंडर रूट 3 का वर्ग केवल 3 बटे, थोड़ा समझना, 16 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 से 3 घटाएंगे 13 बचेगा, 16 से 3 घटाएंगे 13 बचेगा, 13 एकम 13 माइनस 3 ये, और बटे 16 माइनस 13 3, 4 चौका 16 और 3, इससे ये कैंसिल, अंडर रूट 3 बचा, ये 4 से 4 कैंसिल, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 जुड़कर हो गया 2 अंडर रूट 3 बटे, ये दोनों हो गया आपके पास, तो इसको हम लोग कैंसिल कर दिया, ये प्लस में है, ठीक है। यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर कि अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 लिखेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट 3 बटे, ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 3 बटे 8, इसी को आंसर कर लीजिए या भाग लगा दीजिए, 8 का जब भाग लगाओगे इसमें तो 0.37, 8 त्रिका भाग ना खाई 0, दशम लगाया 0 बढ़ाया 30 हो गया, 8 त्रिका 24, 6 बचा तो 0 बढ़ा लोगे 60 हो गया, 8 सात 56, अब 8 पाँच 40 तो 0.375, ये हो गया आपके पास इसका आंसर। अब देखिए आठवें का बी पार्ट क्या है, आठवें का बी पार्ट है टेन ए बराबर एन एन प्लस वन, टेन ए बराबर एन एन प्लस वन और टेन बी, टेन बी बराबर क्या है वन अपॉन टू एन प्लस वन, वन अपॉन टू एन प्लस वन, ये टेन बी बराबर है, तो टेन ए प्लस बी का मान ज्ञात करके सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर पाई बाई फोर, तो पहले टेन ए प्लस बी का मान ज्ञात करके ज्ञात करना है, फिर हमें ए प्लस बी बराबर प्रूफ करना है पाई बाई फोर, क्या प्रूफ करना है कि पाई बाई फोर, पाई बाई फोर किसके बराबर प्रूफ करेंगे हम लोग, ए प्लस बी के, देखो फार्मूला हम लोग यही लगाएंगे, नहीं प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, जब प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे तो टेन ए प्लस बी जो कि फार्मूला है टेन ए माइनस टेन बी, माइनस की जगह प्लस, वन माइनस टेन ए टेन बी, अब मान रखो, जब मान रखेंगे तो टेन ए, टेन ए की जगह एन एन प्लस वन, तो एन एन प्लस वन प्लस बी की जगह एक बटे दो एन प्लस एक बटे वन माइनस यहाँ पर एन एन प्लस वन इंटू एक बटे दो एन प्लस एक, देखो इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो दो एन स्क्वायर, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस का एन, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो एन प्लस वन ही रहेगा बटे, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दो एन, इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा करोगे दो एन स्क्वायर, इसके साथ इसका गुणा करोगे तो एन, इसके साथ इसका गुणा करोगे तो दो एन, और इसके साथ इसका गुणा करोगे तो प्लस का एक बटे, इसके साथ गुणा करोगे तो वही संख्या यहाँ पे लिखो तो दो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस दो एन प्लस एक माइनस, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो एन बटे दो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस दो एन प्लस एक, इसको इस साथ इसका गुणा किया वही बचा, इसको पूरा का पूरा हम लोगों ने कैंसिल कर लिया तो क्या बचा हमारे पास दो एन स्क्वायर प्लस एन और एन जुड़कर हो गया दो एन प्लस एक बटे ये दो एन स्क्वायर, एन से एन कैंसिल तो बचा क्या दो प्लस दो एन प्लस एक, अर्थात चल किसके बराबर रहा है टेन ए प्लस बी के बराबर चल रहा है, तो टेन ए प्लस बी बराबर ये बचा दो एन स्क्वायर प्लस दो एन प्लस एक बटे दो एन स्क्वायर प्लस दो एन प्लस एक, पूरा का पूरा कैंसिल, तो टेन ए प्लस बी बराबर बचा एक, ये तो दोस्तों आपके पास टेन ए प्लस बी के लिए आंसर हो गया। अब आपके पास आपको पता है कि टेन ए प्लस बी बराबर ये टेन पाई बाई फोर का मान है यानी 45 का मान है, टेन 45 का मान क्या होता है एक, टेन से टेन कैंसिल तो ए प्लस बी बराबर, हमने 3.1 में आपको पढ़ाया था किस प्रकार से रेडियन में चेंज करते हैं, तो 45 को रेडियन में चेंज करोगे तो ये 45 किस रेडियन का है पाई बाई फोर,
और ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। अब दोस्तों आप लोग जो है इतने का स्क्रीनशॉट लोगे। अब हम लोग ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 तक ख़त्म किया है और जो नेक्स्ट है नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट।